उससे 20% अगर मैं आज के डेट में कहूँ एज अ बॉडी एक्सेसरी शो ऑफ, हम 10 चीजें यूज करते हैं एज अ बॉडी एक्सेसरी, आइदर शेड्स, वॉचेस, ब्रेसलेट एंड सो ऑन। टैटूज एक उनमें से पार्ट है। रेस्ट 70-80% टैटूज आर मीनिंगफुल, कि कुछ डेडिकेशन आ गई। सपोज किसी को डेडिकेट करना है मॉम डैड टैटूज, माँ बाप टैटूज, और रेदर देन आजकल चल रहा है नेम टैटूज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, अदरवाइज हस्बैंड वाइफ वाले टैटूज, कि किसी को डेडिकेटेड टैटूज आ गए। आई एग्री कि अच्छे कंसेप्ट है, डेडिकेशन है, बट जब तक तुम्हें श्योरिटी ही नहीं है कि हाँ भाई ये पर्सन है मेरे साथ रहना है फॉर लाइफ लॉन्ग, तब तक तुम टैटूज करा रहे हो, कोई वर्थ नहीं है उस चीज़ का। एवरी टैटूज आर्टिस्टिक, पॉइंट इज कि जिसमें खुद का एक कि लगे कि हाँ भाई इसमें मजा आ रहा है कि आज टैटू करा, एक वो चीज़ होती है, वो रीज़न क्या आ जाता है, चाहे वो छोटा ही टैटू है, सिंपल टैटू है, बट उसके पीछे कोई स्टोरी हो, कोई मीनिंग हो कि हाँ भाई भैया मैं इसलिए टैटू करा रहा हूँ, सर ये टैटू कराना है मेरे को, या इस चीज़ को डेडिकेट करना है, या मेरी लाइफ से रिलेटेड ये चीज़ है, उस टैटू को करने में मजा आता है कि हाँ हमने कुछ एक स्टोरी दिया टैटू के बारे में। टाइम से बात चल रही थी दानिश के यार टैटू कराना है, तो फिर फाइनली मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार पीसफुल पीस से रिलेटेड कुछ कराते हैं इस बार। तो फिर मैंने दानिश को फोन उठते ही फोन किया, मैंने कहा दानिश कुछ पीस के बारे में सोच, मेरे को बता कुछ अच्छा सा। तो पीस से रिलेटेड अगर हम रिलीजियस लेके चलें, सबसे पहले माइंड में आता बुद्धा, बुद्धा जी डू नॉट पीस। उसमें हमने काफी कुछ चेंजेस करे, काफी कुछ एड ऑन्स किए, हमने जेन सर्कल डाला व्हिच डिफाइंस यूनिवर्स, एंड ओम का हमने उसमें सिंबल डाला। पहले सिर्फ एक शो ऑफ वाला था इन स्टार्टिंग बेसिस, टैटूज अब स्टार्ट हुए, यहाँ टैटूज कराना ठीक है करा लो, कुछ भी लिखवा लो। अब की डेट में लोगों को टैटू की एक वैल्यू पता चल गई है, मीनिंग पता चल गया कि टैटू है क्या एक्चुअली, एक मीनिंग चाहिए हमें, कुछ लाइफ रिलेटेड हम चीज़ करा रहे हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए चीज़ करा रहे हैं, कुछ भी है चाहे नाम ही लिखवा रहे हैं किसी का, पता है हमारे साथ वो लाइफ टाइम तक ट्रेनिंग है। मेरा जो टैटूज को लेकर नजरिया था, मेरे को अच्छे लगते थे दिखने में, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ऐसा लगता था यार पता नहीं वी वुड बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी और नॉट, बट आई वाज रॉन्ग दैट टाइम एंड आई अग्री टू दैट कि हाँ मैं गलत था उस चीज़ में। और जब मैंने दानिश से बात करी, दानिश कहता भाई कोई बात नहीं आप आओ स्टूडियो एक बारी, तो मैं स्टूडियो गया एंड दिस वॉज द फर्स्ट टैटू आई डिड, और करम का टैटू करवाया था तब, बहुत एक जनरल वे में गया था, मैंने कहा यार नाम वगैरह कुछ नहीं कराना है या कुछ ऐसा नहीं कराना, बट हाँ कुछ ऐसा कराना है जो कि डिफाइन करे चीज़ों को, अब हम करम करते हैं तो मैंने करम का कुछ इस तरह का करवाया। एंड मोर ओवर जब मैंने टैटू करवाया उसके बाद से मेरा नज़रिया बदल गया यार, आप जब टैटू करवाते हो आपको कहते हैं ना भीड़ से आप अलग निकल जाते हो, ठीक है ना, आप उस जगह पे नहीं रहते, उसके बाद आपका एक अपने आप में, मे बी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे में ये चेंज आया कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया,